हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल ए आर हेल्थ केयर। आप डॉक्टर मनिकता फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोसिट प्लस टैबलेट की। क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन में इसे लेना, कब नहीं लेना, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मेरी गुजारिश आपसे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब बात कर लेते हैं, इसे जो है सन फार्मा बनाती है। 650 से 700 रुपये में 10 टैबलेट बहुत आसानी के साथ हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। इसमें दो सॉल्ट पड़े होते हैं, एक पैरासीटम, दूसरा पड़ा होता है सिटी कॉलिंग। इसका अब जान लेते हैं इसका इस्तेमाल जब कराया जाता है, जब किसी को स्ट्रोक पड़ जाता है, यानी पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, या फिर याददाश्त कम हो चुकी है, भूलने की बीमारी हो चुकी है, चिंता, डिप्रेशन और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सर में दर्द रहता है, चक्कर बना रहता है, सर घूमता रहता है, मेमोरी कम हो चुकी है, तब इस बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रोक के मरीज़ों के लिए, या फिर वो मरीज़ जिन्हें पार्किंसन डिजीज़ हो गई, यानी कि उनके जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है और हाथ पैर जो है उनके झंझनाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एस्ट्रोसिट प्लस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया, याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है। इसे जो है नशा छुड़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर कोई शराब पी रहा है तो उसको नशा छुड़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल पैरालिसिस में और मेमोरी जिनकी कम हो चुकी है, जिन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, याददाश्त कमज़ोर है, उनके लिए इसे जो है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं इसकी डोज। इसे जो है दिन में एक टैबलेट ले सकते हैं, या और ज़्यादा अगर परेशानी है, ज़्यादा अगर याददाश्त कम हो रही है या स्ट्रोक है, स्ट्रोक के पेशेंट है, तो एक सुबह एक शाम इसकी टैबलेट दे सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि बीपी का कम हो जाना, या फिर घबराहट, बेचैनी हो जाना, डायरिया हो जाना, शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाना, सर में दर्द हो जाना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट दिखें तो तुरंत अपने डॉक्टर से राय लें, सलाह लें। फ्रेंड, इसे अपने आप इस्तेमाल न करें, इसे जो है अपने न्यूरोलॉजिक डॉक्टर से राय लें, सलाह लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो।